ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो हमने देखा है, वो ट्रांसक्रिप्शन को कैटालाइज करता है। जितने भी आरएनए बनते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, कोई भी टाइप का आरएनए, वो सारे एक सिंगल एंजाइम के द्वारा ही कैटालाइज किए जाते हैं, इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। इनिशिएशन जो करवाएगा वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो करवाता है। बाइंड्स टू द प्रोमोटर, प्रोमोटर जो रीजन हमने पढ़े है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का सबसे फर्स्ट रीजन, वहाँ पे आके अटैच होएगा और ट्रांसक्रिप्शन उसको शुरू करवाएगा। और यहाँ पे एक फैक्टर काम करते हैं, इनिशिएशन फैक्टर, उसके साथ ही आरएनए पॉलीमरेज थोड़ी टाइम के लिए एसोसिएट होता है, चिपकता है। ट्रांजिस्टली का मतलब कुछ टाइम के लिए एसोसिएट रहेगा और जैसे प्रोसेस शुरू होगी ये रो फैक्टर है वो चला जाएगा। तो रो फैक्टर एक इनिशिएशन फैक्टर का काम करता है। यूजीज न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट, तो सोल्यूशन के अंदर जो भी इनको मीडियम प्रोवाइड किया जाता है उसके अंदर ट्राईफॉस्फेट जो भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, जो कि सबस्ट्रेट का भी काम करेंगे और साथ में एनर्जी सोर्स का भी काम करेंगे। पॉलीमराइज इन ए टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी, तो यहाँ पे भी रूल जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी का वो फॉलो किया जाएगा। डीएनए से आरएनए जो बनाएगा तो उसमें बस थायमिन की जगह भी यूरेसिल आएगा, बाकी जो डीएनए की जो ब्लूप्रिंट वाली जो स्ट्रैंड है, जिसे ब्लूप्रिंट लेना है उसको पढ़ के ही नई स्ट्रैंड है वो तैयार की जाती है। आल्सो फैसिलिटेटेड ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यूज इलोंगेशन, तो साथ में ये हेलिक्स जो डीएनए एक हेलिकल फॉर्म में पाया जाता है उसको ओपन करने में मदद करता है और इलोंगेशन है उसमें भी मदद करता है और इलोंगेशन को कंटिन्यू रखने में मदद करता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात कर रहे हैं। उसके बाद ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम, तो आरएनए का केवल एक छोटा सा स्ट्रैंड है वही इसके साथ चिपकी हुई मिलेगी, बाकी जो आरएनए है वो अलग होता रहता है इससे, मतलब एक सेपरेट होकर चला रहेगा, वो स्ट्रैंड है वो कंटिन्यू नहीं बनी रहती है। तो इनिशिएशन प्रोसेस थी ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया में। उसके बाद इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन देखते हैं। इलोंगेशन में जो आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ, तो यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा एंजाइम नहीं रहता। आरएनए पॉलीमरेज जो टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़ पढ़ के आगे कॉपी तैयार करता रहता है एमआरएनए की। आफ्टर टर्मिनेशन फैक्टर एंड टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली, और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन फैक्टर आ जाता है रो, तो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर दिया जाता है। जैसे इसमें देखेंगे टर्मिनेशन में, जैसे ही पॉलीमराइजेशन कंप्लीट हो जाती है टर्मिनेटर रीजन में पहुंच जाती है, तो नेसेंट आरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज फॉल ऑफ, तो जो भी आरएनए बना है नया, जो एमआरएनए बना है और जो साथ में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो वहाँ से टूट के अलग हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो प्रोसेस है, किसकी वजह से टूटते हैं, रो फैक्टर की वजह से, और जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपलाइज्ड, तो बैक्टीरिया है उनके अंदर जो ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलती हैं। एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, तो यहाँ पे कोई स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है प्रोकैरियोट्स में। जो एमआरएनए है वो जैसे ही बनता है तो उसके ऊपर जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी जाती है, और कई बार तो ये नहीं बनता है फिर भी, जो कंप्लीट नहीं बनता है ये, कुछ इसका प्रोसेस यदि बन जाता है तो उसके ऊपर ही ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो देखने को मिलती है। तो कपलाइज्ड होती हैं दोनों प्रोसेस ही, प्रोटीन साथ साथ में बनना शुरू हो जाता है। एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट सिस्टोल, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, प्रोकैरियोट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो एमआरएनए है, क्रोमोसोम है, डीएनए है, वो सारा साइटोसोल में ही रहता है, साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलता है, सेम कंपार्टमेंट रह जाता है। इसकी वजह से दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती हैं। मैंने टाइम्स ट्रांसलेशन कैन बिगिन बताया नहीं, कि कई बार तो ट्रांसलेशन पहले ही शुरू हो जाती है जब तक कि एमआरएनए पूरी तरीके से ट्रांसक्राइब नहीं होता। उसके बाद हम डायग्राम से समझ सकते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया है उसमें रो फैक्टर, एक सिग्मा फैक्टर आता है, सिग्मा फैक्टर है जो प्रोसेस को इनिशिएट करवाएगा, और ये रो फैक्टर रहता है, सिग्मा फैक्टर रहेगा, पहले बाय मिस्टेक इनिशिएशन में इसको रो बोल गए, लेकिन सिग्मा फैक्टर रहता है जो कि प्रोसेस को इनिशिएट करवाता है। पॉलीमराइज एंजाइम के साथ अटैच होकर ये जो डीएनए हेलिक्स है उसके पास आके अटैच होएगा। उसके बाद जैसे ही प्रोमोटर रीजन पर ये अटैच रहेगा, पॉलीमराइज जो आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम है उसको अटैच करके ये सिग्मा फैक्टर वहां से हट जाता है। इलोंगेशन का काम क्या किसका रहेगा, केवल आरएनए पॉलीमरेज का, वो जो एमआरएनए उसको बनाता जाएगा,
इसको रीड करके जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको रीड करता हुआ चला जाएगा, और जैसे टर्मिनेट रीजन आएगा तो एक रो फैक्टर वहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि प्रोसेस को टर्मिनेट बंद करवा देता है, और जो एमआरएनए है, जो नया आरएनए तैयार हुआ है, वो अलग से हट जाता है। तो कोई भी टाइप का आरएनए है वो इसी प्रोसेस से बनता है।